हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आज हम 36 इंच सीने के अकॉर्डिंग सिंगल कटोरी की फर्मा कटिंग करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। हम आपके लिए 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 और 44 तक की सारी जो ब्लाउज की कटिंग है, बेल्ट ब्लाउज कटिंग, सिंगल कटोरी कटिंग, देन डबल कटोरी कटिंग, आपको टोटल कटिंग अलग अलग वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप सारी वीडियो को देखें, फर्मा कटिंग सीखें और ब्लाउज की पूरा जो ब्लाउज का मेजरमेंट है उसे सीखें और समझें। तो देखिए, आज मैंने 32 और 34 की सिंगल कटोरी फर्मा कटिंग की वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दी है और अब ये 36 इंच सीने की फर्मा कटिंग मैं आपको दिखा रही हूं। और जो नाप आपके सामने है उस नाप के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल परफेक्ट और फिटिंग आपको कटिंग बता रही हूँ। उसी नेप के मुताबिक और मेरी उसी मार्किंग के मुताबिक आप कटिंग करें ब्लाउज की। पहले फर्मा कटिंग करें, फिर ब्लाउज की कटिंग करें, तब उसकी स्टिचिंग करें और फिर बाद में आप उसकी फिटिंग पहन करके फिर कमेंट करें और आपका नेप बिल्कुल सही। और इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं अगर आपके नेक में इस नेप के अंदर इसके अंदर कुछ जैसे कमर है एक इंच ज़्यादा कम हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं और आप अपनी नेप के अकॉर्डिंग कटिंग करें। जैसे इसमें 30 है तो मैं इसका चौथा हिस्सा 7.5 और उसमें प्लस आधा इंच जो पीछे की हमारी जो प्लेटें होती हैं उनके लिए लूँगी। तो आपकी इसमें 31 या 32 हो या 29 हो तो आप उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अपने नाप के अकॉर्डिंग आप कटिंग कर सकते हैं। तो आइए 36 इंच के नाप की हम फर्मा कटिंग करें। आप भी मेरे साथ में फर्मा कटिंग करें और कटिंग सीखें। तो इसके लिए देखिए, नेप है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, सीना है 36 इंच, कमर हमारी 30 इंच है, कटोरी हमारी जिसकी हम कटिंग करेंगे फर्मे के अंदर वो 11 इंच शोल्डर से 11 इंच नीचे होंगी। जो नेक है हमारा आगे का फ्रंट का नेक 6 इंच होगा और जो बैक साइड का है वो 11 इंच। स्लीव है हमारी 6 लंबाई और इसकी चौड़ाई होगी 12 इंच। तो इसी नेप के अकॉर्डिंग इससे मिलता जुलता नेप हो, नहीं तो आप सीखने के लिए इस नेप के अनुसार कटिंग कर सकते हैं और देन अपने जो नाप है उसमें आप फिर चेंजेस कर सकते हैं। तो आइए इसी नाप के अकॉर्डिंग हम फर्मा कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ये हमने पेपर लिए, देखिए दो पेपर लिए हैं, एक जो हमारा ये देखिए इतना बड़ा है, आगे का जो हमारा फ्रंट पोर्शन है जिस पर हम मार्किंग करेंगे देन उसके बाद कटिंग करेंगे तो ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा है। 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है हमने? हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा जो होता है, जो हमारी ये कटोरी होगी जिसकी हम कटिंग करेंगे उसकी स्टिचिंग करेंगे, उसकी स्टिचिंग के लिए हमने 1 इंच आगे के पार्ट्स को एक्स्ट्रा लिया है। तो टोटल हमारी इसकी लंबाई है 16 इंच। देखिए, हमें तैयार करनी है 14 इंच लंबाई ब्लाउज की। एक्चुअल लंबाई 14 इंच तैयार करनी है तो उसके लिए 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, 1 इंच हमारी सिलाई के लिए और 1 इंच हमारी नीचे की मोड़ाई के लिए। तो 1 इंच एक्स्ट्रा हम पहले छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये हमारा 1 इंच है, इसको हमने छोड़ दिया है और 1 इंच पे हम फुल मार्किंग कर देते हैं। ये जो हमारी नीचे की दबावट है या जो नीचे की तुरपाई होती है इसको हमने 1 इंच छोड़ दिया है। अब देखिए हम इसकी लेंथ, सबसे पहले ब्लाउज की लेंथ लेते हैं। तो 14 इंच हमें तैयार करना है तो इसके लिए हमें 15 इंच लिया है। क्यों? जो हमारी कटोरी की स्टिचिंग आएगी, सिलाई आएगी, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो हम ऊपर से ही, देखिए ऊपर से ही इसमें मार्किंग करेंगे। 36 इंच सीने के अकॉर्डिंग
शोल्डर लेते हैं 6 इंच, वैसे भी इसमें शोल्डर का नाप 12 इंच ही है और हम 6 इंच शोल्डर लेंगे। शोल्डर को नीचे से भी हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को हम 6 इंच नीचे तक 36 इंच सीने के मुताबिक, अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं और सिंगल कटोरी का बना रहे हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट नेप होगा। इसके अनुसार आप ड्राफ्टिंग करें, कटिंग करें और फिर स्टिचिंग करें। तो ये मैंने देखिए 6 इंच पर बाजू के निशान लगा दिया है और जो हमारा सीना है 36 इंच, 36 को 4 में डिवाइड कर लीजिए 9 इंच, 30 को 4 में डिवाइड कर लीजिए 7.5 इंच। तो हम 9 इंच में सीने में हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, फिक्स 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारी सिलाई का निशान है और जो हमारा मार्जिन होगा 2 इंच का, वह हमेशा की तरह एक्स्ट्रा होगा। तो ये हमारा सीने का मार्किंग हो गया है और ये हमारा मार्जिन का। अब आइए देखिए हम जो फ्रंट का नेक है उसकी मार्किंग करते हैं। 3 इंच पे ऊपर से शोल्डर के पास में 3 इंच इसकी चौड़ाई ले, नीचे से हम इसकी 6 इंच गहराई लेते हैं। ये देखिए 6 इंच है, ऊपर से 6 इंच पे निशान लगा करके इसको वापस 3 इंच की चौड़ाई दें और फिर इस चौड़ाई को इसमें मिला दें। बीच में आप इसमें 1.5 इंच का कोण लगाएं। तो ये हमारा फ्रंट का नेक हो गया है। 6 इंच नीचा है और 3 इंच चौड़ा है। इसको कम करना हो तो आप 5 इंच तक ले सकते हैं और आपको ज़्यादा रखना हो आपके नाप के मुताबिक तो आप 7 इंच तक हम फ्रंट का नेक रखते हैं। अब देखिए शोल्डर में, शोल्डर के लिए हम 36 इंच के अकॉर्डिंग 1.5 इंच पर जो हमारे आगे की शोल्डर होते हैं उनको हम इस प्रकार से 1.5 इंच पर हल्का सा मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को पूरा राउंडिंग में ये हमारे आगे की बाजू का और ये हमारी पीछे के जो बैक साइड की बाजू है उसकी मार्किंग होगी। ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा, 1/2 इंच से ज़्यादा एक्स्ट्रा ना लें। अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंगे तो इसमें आपकी जो पीछे के बाजू हैं उनके पास में हल्की हल्की सलवट दिखने लगती है। अब ऊपर के जो शोल्डर हैं उनमें देखिए 1/2 इंची टेप से आप नेप करके बिल्कुल 1/2 इंची बराबर में इसमें मार्किंग कर लें। इस प्रकार से बाजू की तरफ 1/2 इंची और नेक की तरफ एकदम सेंटर में, जो नेक का सेंटर है ये देखिए, इसमें सेंटर से लेकर के यहाँ 1/2 इंची तक ये शेप दे दीजिए। देखिए सीना हमारा हो चुका है, बाजू हमारी हो चुकी है, नेक हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं कटोरी पे। कटोरी हमारी है 11 इंच, जो हमने शोल्डर का शेप दिया उसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद में हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। ठीक 11 इंच है, नीचे है, इसको आप एक सूत नीचा ले सकते हैं, ऊपर ना लें बिल्कुल भी। और यहाँ से भी देखिए मार्किंग करने के लिए कि आपका जो नेप है ऊपर नीचे ना हो, 11 इंच यहाँ से भी हम ले लेते हैं। नेक से भी यही से 11 इंच ही होना चाहिए हमारा, यहाँ से 11 इंच है तो इस तरफ से भी 11 इंच होना चाहिए और इस लाइन को हम इस प्रकार से लंबा मार्किंग कर देते हैं। यह हमारी कटोरी की मार्किंग लाइन है, इस पे हम कटोरी की फर्मा बनाएंगे। अब देखिए हमारी जो कमर है, कमर की मार्किंग करते हैं तो देखिए इसके लिए हमें 30 इंच को 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं 7.5 और उसमें प्लस करते हैं 1/2 इंच किसके लिए, जो हमारी पीछे प्लेटें डलती है 2 कमर के अंदर उसके हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 7.5
प्लस आधा इंच 8 इंच पर हम कमर में निशान लगाएंगे। ये देखिए ये हमारी कमर है, इसको हम 8 इंच पे बिल्कुल भी कम या ज़्यादा ना करें। और जो मार्जिन है हमारा उसको 2 से थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, कम बिल्कुल भी ना रखें। जो आपका मार्जिन है उसको 2 इंच से बिल्कुल भी कम ना रखें। तो ये देखिए ये हमारी मेन सेंटर की सिलाई की लाइन है, और जो ये होगी 2 इंच की, ऊपर से हमने 2 इंच लिया है, नीचे से भी हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको फुल, और जो हमारी सिलाई होगी वो डायरेक्ट होगी कमर से सीने से बाजू तक की जो सिलाई हमारी चलेगी वो डायरेक्ट चलेगी, ताकि जब भी हम चाहे उसे खोल सकते हैं। तो ये देखिए अब हम कटोरी पे आ जाते हैं। जो हमारी कटोरी है 36 इंच सीने के अकॉर्डिंग, इसको हम 6 इंच तक कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल पूरा 6 इंच हम कटोरी का शेप बनाएंगे। 36 और 38 दोनों में हम 6-6 इंच की कटोरी बनाते हैं। तो आप भी देखिए नीचे से जितना 6 इंच है हमारा, हम बीच में से भी 6 इंच पे ही मार्किंग करेंगे। बिल्कुल ये इजी तरीका है कटोरी का, और आपकी कटोरी बिल्कुल फिटिंग और फिटनेस रहेगी। तो इसी मार्किंग के अनुसार, इसी नेप के मुताबिक आप 36 इंच की कटोरी कटिंग करें तो आपकी बिल्कुल कटोरी सही रहेगी। अब ये देखिए जो हमारा नेक है 9 इंच का है, तो हम इसे 4 इंच पर, 36 और 38 में हम 4 इंच पे करते हैं, 40 के बाद 40, 42, 44 में हम इसे 4.5 तक ले जाते हैं। तो ये हमारी नेक के अंदर 4 इंच में, और यहाँ से 6 इंच, यहाँ से 6 इंच। अब इसको देखो, आपको हल्का हल्का राउंड देना है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोई भेद नहीं है, आपको बिल्कुल स्पष्ट है। 4 इंच गले से ले, जो 36 इंच के मुताबिक आप नेक में कटोरी का स्पेस रखेंगे 4 इंच, बीच से आपको स्पेस रखना है 6 इंच, और जो नीचे से स्पेस है उसको हम रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच, 6 इंच और 4 इंच, ये स्पेस एक्स्ट्रा इसको हम निकाल देंगे और नई कटोरी का फर्मा बनाएंगे। तो ये आपको फर्मा मैंने बता दिया है, इसी के अनुसार आप फर्मा कटिंग करें। इसके बाद मैं आपको नई कटोरी की फर्मा बताऊंगी। तो ये जो हम है, देखिए पीछे का पार्ट साथ में है, आगे का पार्ट्स, पीछे के पार्ट्स को 1 इंच कम लिया है, जो ये बीच की सिलाई आएगी। अब आपको बता देती हूँ कि ये जो बीच की सिलाई हमारी आएगी, इसमें हमारे दोनों ऊपर के पार्ट्स के आधा इंच सिलाई, नीचे के पार्ट्स के आधा इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इन ऊपर से हम बराबर रखेंगे और नीचे से ये एक्स्ट्रा होगा। ऊपर का जो साइज है शोल्डर का, वो बिल्कुल दोनों पार्ट्स बराबर रहने चाहिए। और इसको इस प्रकार से देखिए कटिंग कर देते हैं हम। जो हमारे शोल्डर हैं वो बराबर चलने चाहिए। आज मैं आपको इस फर्मा कटिंग में बाजू की कटिंग भी साथ में बताने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं बाजू की कटिंग सभी में नहीं बताती हूँ। जो साइज वाइज सारी जो वीडियो है उसमें मैं आपको काफ़ी वीडियो में बाजू की जो कटिंग देखने को मिलेगी, और काफ़ी में आपको नहीं भी मिल सकती है। तो आप जिसमें बाजू की कटिंग बहुत इजी है, इसमें मैं आपको बहुत सरलता से समझाऊंगी और बताऊंगी नेप के साथ, तो आप एक बार में भी पूरा ध्यान कर लें। और जितनी नाप से मैंने कटोरी की कटिंग की है, उस कटिंग की राउंड के अंदर अंदर बिल्कुल हल्का सा और मार्किंग के अंदर अंदर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हल्का सा देखिए जो कूट है, इसको थोड़ा सा शेप दे दीजिए। और ये नीचे के देखिए दोनों पार्ट्स बिल्कुल तैयार हैं, और इसको हमें फर्मा बनाना है। तो इसके बाजू की जो आगे की साइड है, इसको हम कटिंग कर देते हैं। यहाँ से जैसे हमने शेप दिया हुआ है, उस शेप के अकॉर्डिंग इसको आधा इंच तक
ये देखिए ये सेप है और इस बाजू की हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा बिल्कुल सही और फर्मा है, ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल सही है और इसकी हमें नई कटिंग करनी है। तो इसके इससे पहले हम जो पीछे का हमारा पार्ट से देखिए, पीछे का जो हमारा नेक है 11 इंच है, तो हमने 6 इंच कटिंग किया था, 5 इंच नीचा हम इसकी और कटिंग करेंगे। ये हमारा पीछे का नेक होगा 3 इंच चौड़ा 5 इंच, इसको हम स्क्वायर में लेते हैं क्योंकि इस फर्मे को रख करके जिस ब्लाउज की हमें कटिंग करनी है, स्टिचिंग करनी है, उसका हमारा नेक स्क्वायर का है, तो इसकी हम स्क्वायर में कटिंग करेंगे। और ये देखिए जो हमने गोल गला ऊपर से 6 इंच कटिंग किया हुआ था, उसको भी हम नीचे से स्क्वायर में कटिंग कर सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। और ये जो पीछे की प्लेटें डलती हैं, इनको हम 5 इंच की दूरी में, बीच सेंटर है ये, इस सेंटर से 5 इंच की दूरी में और 5 इंच की ऊंचाई तक लगाएंगे। तो ये हमारी दोनों प्लेटें हो चुकी हैं, ये 3 पार्ट्स हमारे तैयार हैं। अब हम कटोरी की कटिंग करते हैं। तो ये हमारी कटोरी है और आइए अब हम इसकी फर्मा कटिंग करते हैं। तो देखिए कटोरी नीचे से हमने चौड़ी ली, इसकी चौड़ाई है हमारी 6 इंच की, 6 इंच की हमारी कटोरी की चौड़ाई, इसकी मेन सेंटर है देखिए 3 इंच पे, ये इसका मेन सेंटर है। मेन सेंटर को इससे हम 1.5 इंच नीचे मार्किंग करेंगे। देखिए आप जो ये मैं इंची टेप की जो आपको बता रही हूँ, वो आप बिल्कुल सही सही ध्यान कर ले, 1.5 इंच नीचे आप जो मेन सेंटर आएगा इसके बीच का, ये मेन सेंटर 3 इंच पे हो गया, 6 इंच की हमारी कटोरी है, 3 इंच मेन सेंटर है, मेन सेंटर को आप 1.5 इंच नीचा ले लीजिए। ये देखिए इसकी जो मेन सेंटर है, यहाँ से आगे से इसको आप 1.25 इंच नीचा ले लीजिए और 1.25 इंच हम इसको चौड़ा ले लेते हैं। ये हमारी 1.25 इंच चौड़ाई हो गई है और इस तरफ भी हम देखिए 1.25 इंच चौड़ा ले लेते हैं और इसको हम ये जो हमारी 1.25 इंच नीचाई है इसकी, इसको हम हल्का सा ऐसे ही निशान लगाएंगे, जैसे हमारी 1.25 इंच ऊपर से है वैसे ही नीचे से। अब देखिए इसको, इस निशान को हमें इस निशान में मिलाना है, जो ये नीचाई का है इस निशान से होती हुई इसको हमें इसमें मिलाना है और इसी प्रकार से इस तरफ भी हमें राउंडिंग में ऐसे चलना है। ये जो 1.25 इंच का है नीचा इतना कर लीजिए, ये हमारी 1.25 इंच का निशान है, इसको हल्का सा हम राउंड देंगे, हल्का सा। ये हमारी देखिए 1.25 इंच नीचे, 1.25 इंच चौड़ा, 1.25 इंच इस तरफ भी और 1.25 इंच इस तरफ भी। ये देखिए ये 1.25 इंच, ये 1.25 इंच, ये इसकी चौड़ाई 1.25 इंच और इसकी ये चौड़ाई 1.25 इंच, 1.25 इंच से एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, इसकी 1.25 इंच यहाँ पे आती है। तो इसको हम देखिए इस तरफ से ऊपर से आधा इंच ही लेंगे, हमारे 38 इंच 36 इंच सीने की है, 38 के बाद हम इसको पौन इंच कर देते हैं और 38 तक 32 लेकर के और 36 तक हम इसमें आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेते हैं, बीच तक हम आधा इंच में आएंगे। इसके बाद हम ऐसे जो हमारी 1.25 इंच का मार्किंग है इसको हम इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए तो ये हमारी कटोरी का ये एक साइड तैयार है और ये जो दूसरा पोर्शन है ये देखिए ये तैयार है। अब इसमें कुछ भी भेद नहीं है, 1.25 इंच इस तरफ से आपको एक्स्ट्रा लेना है, 1.25 इंच आपको इस तरफ से एक्स्ट्रा लेना है, 1.25 इंच नीचे से एक्स्ट्रा होता है, 1.25 इंच ही नीचे इस तरफ से एक्स्ट्रा होता है। ये जो बीच का स्थान है, स्पेस है, सेंटर है, इसको हम 1.5 इंच नीचा लेते हैं, 36 इंच सीने के अकॉर्डिंग हम इसको 1.5 इंच लेते हैं, 36 से नीचे जो 34 होते हैं, 32 होते हैं, उसको हम 1.25 इंच तक लेते हैं। तो ये देखिए 1.5 इंच नीचे हमने मेन सेंटर पे कटिंग कर ली है और
इसी प्रकार से हम यहाँ तक चले जाते हैं, यहाँ बिंदु लगाओ, यहाँ बिंदु लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ, इस प्रकार से आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरी कटिंग है और इस कटिंग, इससे आप फर्मा कटिंग सीख करके और ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। ये हमारी सिंगल कटोरी की 36 इंच नेप की परफेक्ट कटिंग होंगी और आप कटिंग करके हल्के कपड़े पे इसकी स्टिचिंग करें और ब्लाउज बनाएं, पहने। आपको स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप नहीं आती हो तो आप मेरी स्टिचिंग की वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको अंडर पैकिंग सिलाई मिलेगी, जहां आपको सिलाई बाहर दिखने को नहीं मिलेगी। जो मेरी सारी अंडर पैकिंग स्टिचिंग होगी तो आप मेरी वो वीडियो देख सकती हैं, अपनी सिलाई को सुंदर और फिनिशिंग बना सकती हैं। ये देखिए, ये हमारी डुप्लीकेट जो फर्मे से निकली थी, ये कटोरी थी, ये कटोरी, और इस कटोरी को हमने, ये कटोरी 36 इंच की हमने बना ली है, और इसको आप 36 इंच सीने के अकॉर्डिंग बनाएं और पहने, ये आपकी फिक्स कटोरी होंगी। तो देखिए, अब हम बाजू की कटिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। इस वीडियो में आपको पूरी कटिंग और फुल कटिंग मिलेंगी। तो ये देखिए, बाजू है, स्लीव्स है हमारे 6 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 12 इंच। तो सबसे पहले हम बाजू की लंबाई देख लेते हैं। जो ये हमारा पेपर है, ये हमारी लंबाई है बाजू की, और जो ये नीचे की है एक्स्ट्रा, ये हमारी मोड़ाई है नीचे की। तो ये 6 इंच लंबाई लेने के बाद में आप जो हमारी लंबाई है वहाँ से 2.5 से 2.25 इंच पर, ये देखिए, ये 2.25 इंच पर निशान लगाएं, 2.25 इंच से नीचे आप 2.5 इंच पर, 2.5 इंच के निशान को आप 7 इंच पर, जैसे हमने बाजू की जो हमारी निचाई 6 इंच थी, जो हमारे शोल्डर थे, आपको बता देती हूँ, ये देखिए, ये जो हमारे शोल्डर थे इसको हमने 6 इंच नीचे काटे थे। तो इसकी जितनी कटिंग होती है उसमें आप प्लस 1 या 1.25 इंच प्लस कर सकते हैं। तो इसको हमने 1 इंच प्लस किया है, 1 इंच से हल्का सा ज़्यादा ही हो सकता है, कम ना रखें। तो इसको हमने 7 इंच पर ऐसे मार्किंग करनी है और इस 7 इंच को हमें 2.25 इंच में ऐसे मिला देना है, मिला करके देखिए इसको हल्का सा ऐसे राउंड कर देना है। तो ये हमारी बाजू की सिलाई की लाइन होगी। ये जो देखिए आगे की जो बाजू है, बाजू की जो मोहरी है वो 12 इंच है। तो ये देखिए 6 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है, और जो हमारी मार्जिन होंगी 2 इंच की वो एक्स्ट्रा होंगी, और इस तरफ भी 2 इंच की मार्जिन रखेंगे वो एक्स्ट्रा होंगी। तो ये हमारी मार्जिन होंगी और ये हमारी कटिंग का है। तो इसको हम कटिंग करके अलग कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको हम इस प्रकार से कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए बाजू की कटिंग हो चुकी है, ये बाजू का मेन सेंटर है, इसको हल्का सा कट कर दिया है, और अब इस पे देखिए हल्का सा इस हिसाब से हम 1/2 इंच की आप नेप करके, जो इंची टिप से हम नेप करके करते हैं, तो 1/2 इंच इस प्रकार से इसकी, ये 1/2 इंच होती है, और इसको हम एक ही बाजू पे, ये दोनों साइड की जो हमारी बाजू ये फर्मा है, दोनों साइड में हमें ये कटिंग नहीं करना है, इसको हमने ये इस पत्ती को एक साइड में कटिंग करना है। तो ये देखिए 1/2 इंच का हमने स्पेस यहाँ से कटिंग कर लिया है, और ये हमारी बाजू देखिए इस प्रकार से, ये हमारी आगे की पोर्शन है, ये हमारा बैक साइड का भाग है। तो ये हमारी बाजू कट चुकी है, ऊपर से आप 2.25 लें, 2.25 के नीचे आप 2.5 इंच तक ये मार्किंग करें। इस मार्किंग को हम जो हमारे बाजू की नीचे ली हुई थी 6 इंच की, उसमें जोड़ेंगे प्लस 1 या 1.25 इंच, 7 या 1.75 इंच पर आप इसकी मार्किंग करें, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लें, और आगे से जो मोहरी है हमारी उसका हाफ कर लें। 12 इंच की मोहरी थी, 6 इंच को में डिवाइड करके ये हमने मोहरी बना ली है, और जो एक्स्ट्रा स्पेस है इस साइड को भी हम कटिंग करके अलग कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी बाजू का मैंने फर्मा आपको बता दिया है, ये हमारी नीचे की मोड़ाई है, इसको इस प्रकार से फोल्डिंग कर लें। ये हमारी 6 इंच की तैयार बाजू है। तो ये देखिए सारा फर्मा हमारा तैयार है, आप इसे फर्मा कटिंग करें और सीखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।